वाले सभी दर्शकों को राम राम। आज हम आए हैं वैद्य राधेश्याम ज्ञानतारा के पास। वैसे तो हमारे इस YouTube चैनल पर इनके पिताजी ओम प्रकाश ज्ञानतारा की वीडियो रही हैं बहुत सारी, लेकिन स्पेशली आज इनसे मिलने आए हैं। इनके पास भी कुछ नायाब नुस्खे हैं जो अच्छा काम करते हैं। सबसे पहले राधेश्याम जी, राम राम। सभी दर्शकों राम राम। आज हम किस विषय पर बात करेंगे? हम जो लेडीज को ऑपरेशन होता है, बच्चे का है या एक्सीडेंट का, कोई भी है, जेंट्स भी है, उसको पर बात करेंगे हम, कोई भी सर्जरी होती है किसी प्रकार की भी। मेल या फीमेल को, हाँ जी, कोई भी। तो उससे कई दिक्कतें आ जाती हैं, जिस तरह बैक पेन का है। उसको जो मैं बता देता हूँ, जैसे जो टीका लगता है ना ब्योंसी का, उसके कारण जहाँ इंजेक्शन लगता है तो छोटा बिंदु बन जाता है ब्लड का, खून का, उसके कारण सारी जिंदगी दर्द रहता है उसके अंदर। उसके लिए मैं एक दवाई बता रहा हूँ, घर के अंदर कोई भी बनाए और कोई भी यूज करे उसको, तो कितनी इफेक्टिव है ये दवा? बड़ा अच्छी रिजल्ट है जी। आज तक आपने कितने लोगों पर कई इस, लाखों बंदों को बताया और खूब रिजल्ट मिला है, लगभग तो मतलब 90% या 99% मान लो। 99% काम करती है जी वो। तो ये जो योग है पब्लिक के सामने साझा करेंगे आप, बिल्कुल साझा करूंगा जी पब्लिक बताओ एक के। बार। जैसे 20 ग्राम लेनी काली मिर्च, 20 ग्राम लेनी काली मिर्च, 20 ग्राम लेनी है अम्बा हल्दी, और 20 ग्राम लेनी है सौंठ, और 10 ग्राम लेना है घर खाने वाला नमक। नमक ये तीनों 70 ग्राम उसकी हैं। इसको बारीक पीस करके, और फिर लेना देसी मुर्गी का अंडा, देसी मुर्गी का अंडा लेना है, उसके अंदर जो जर्दी निकलती है ना पीले रंग की, उसके अंदर इसकी मान ली 6 खुराक बनानी है, 70 ग्राम की 6 खुराक बनानी है, 12 12 ग्राम की, तो उसके अंदर एक पुड़िया मिला करके जर्दी के अंदर जो हाँ दर्द है उसको प्रलेप करना है, खाली लेप करना है। लेप करना, खानी नहीं है, लेप करना है, और उसको 3 4 घंटे लगाए रखो। उसके बाद जैसे साफ करना पड़े तो उसको गर्म पानी से साफ कर दीजिए। अच्छा, नमक सफेद चाहिए, सेंधा चाहिए, काला घर चाहिए? खाने वाला नमक जो सफेद होता है, चाहे सफेद नमक हो या सेंधा हो, सेंधा हो या कोई भी चल जाए, दोनों चलेंगे, ये एक परफेक्ट उपचार है बैक पेन का। बिल्कुल परफेक्ट है जी। और कि आगे हमेशा के लिए इसके अंदर जो ब्लड बनते हैं ना, क्वाइट्स बन जाता है, उसको पिघला देता है और हमेशा लिए आराम कर देता है ये। तो कितने दिन तक करना होगा ये आप? जैसे मान लो 6 दिन का बताया मैंने, असम 6 दिन में आराम हो जाता, नहीं हो किसी को भी तो इसको दोबारा रिपीट फिर कर लें एक बार फिर। अगर मान लिया इस इलाज से कोई भी अंतर नहीं पड़ता, तो आपके साथ संपर्क करना हो, आपका कोई मोबाइल नंबर वगैरह? हाँ, मेरे से आकर मिल सकता है, या फोन पे, इतनी लंबी बात तो नहीं हो पाएगी, बाकी नंबर बता देता हूँ मैं अपना, 94165-56366, राधेश्याम ज्ञान तारा। वैद्य राधेश्याम ज्ञान तारा। ठीक है, धन्यवाद जी।